राजधानी भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने बताया कि हम कभी भी हड़ताल करने के पक्ष में नहीं थे और हमने पिछले 6 महीनों में लगातार सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया है और हमारी मांगों से अवगत कराया है, जिसमें डीन से लेकर मुख्यमंत्री तक को हमारी मांगों से अवगत कराया है। परंतु हमारे इस शांतिपूर्ण वार्तालाप को सरकार द्वारा हमारी कमजोरी मानकर हमें अनदेखा किया जाता रहा है, इसलिए विवश होकर हमें यह कदम उठाना पड़ रहा है। अगर सरकार हमारी मांगों पर विचार करके आदेश पारित करती है तो जूनियर डॉक्टर विश्वास दिलाते हैं कि आदेश पारित होने के बाद जूनियर डॉक्टर अपने काम पर चले जाएंगे। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। नमस्कार, आज पूरा जूड़ा भोपाल और पूरा मध्य प्रदेश का जूड़ा हड़ताल पे है। इसका पूरा जो हमारी मुख्य मांगे हैं, ये आज से ही नहीं, 1 महीने पहले से ही शुरुआत हो गई थी। हमने सरकार को 6 महीने पहले इस चीज़ का नोटिस दिया था और 1 महीने पहले इसका रिटर्न नोटिस इस चीज़ का भी दे दिया था कि हम हड़ताल पे चले जाएंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो। इसमें जो हमारी मांगे हैं उसमें मुख्य रूप से जो भी रेसिडेंट कोविड काल में काम कर रहे हैं उनमें से किसी को भी कोई दिक्कत, तकलीफ़ या परेशानी या कोविड संक्रमण होता है तो उनके लिए बेड रिजर्व किया जाए और उनके लिए बराबर दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए। साथ ही साथ जो भी रेसिडेंट्स यहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उन पे कोई भी तकलीफ दिक्कत आती है, जो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं उसको लेके यहाँ पे एक फोर्स लगाया जाए और उन पे कोई भी ऐसी दिक्कतें ना आए। साथ ही साथ यहाँ पे वो जो पिछले 1 साल से लगातार काम करे जा रहे हैं उस चीज़ को लेके उसको ग्रामीण बॉन्ड में गिना जाए और उनका ग्रामीण बॉन्ड कैंसिल किया जाए। पिछले हम 3 साल यहाँ पे, हमारे 3 साल का जो कार्यकाल होता है पढ़ाई का, उस 3 सालों में से हमारी सिर्फ 1 साल की पढ़ाई और बाकी सारे साल बर्बाद होते जाए हैं। इस चीज़ को देखते हुए हमारी ट्यूशन फीस को वेवर ऑफ कर देना चाहिए। हमारी स्टाइपेंड जो है और वो बहुत ही कम है, कोविड इंसेंटिव को लेते हुए और बाकी चीजों को करते हुए हमारी स्टाइपेंड को बढ़ाया जाए और कोशिश किया जाए कि बाकी जो राज्य हैं उसकी तरह हमारी स्टाइपेंड को भी बढ़ा के कुछ नहीं तो 85, 87 और 89 हज़ार के आसपास किया जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।